करते हैं अगली खबर का। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड के बाद से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार और स्थानीय बीजेपी विधायक कृष्ण नंदन पासवान समेत पार्टी के कई नेता मृतक पवन गुप्ता के घर पहुंचे। सभी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बताते चलें कि बीते 16 मार्च को पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी तेज हो चुकी है और इस हत्याकांड के बाद से लगातार नेताओं का जो जमावड़ा है मृतक के घर पे देखने को मिल रहा है, और आज राधामोहन सिंह और प्रमोद कुमार जो कि गन्ना मंत्री हैं वो भी आज मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई है वहां पे? जी ऋतिक, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोतिहारी सांसद राधामोहन सिंह और गन्ना मंत्री बिहार सरकार में ये प्रमोद कुमार के द्वारा पैक्स अध्यक्ष की जो हत्या हुई है उनके परिजनों से मिलकर और उन्हें आश्वस्त किया गया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मृतक के परिवार वालों का ये कहना था कि जब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को रिहा नहीं किया जाता है तब तक वो इसी तरह से अपनी दुकान को बंद करके रखेंगे। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा, अगर पुलिस इस कार्य में सहयोग नहीं करती है तो भाजपा के लोग बिहार सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे और उनके विरोध में हल्ला बोल आंदोलन भी करेंगे। जी दीदी जी, धनंजय एक सवाल आपसे ये कि तमाम राजनीति के बड़े बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की, परिजनों ने कहा है कि जब तक रिहाई नहीं होगी उनका जो है आंदोलन भी इस पे लगा रहेगा और तमाम आक्रोशित बातें उन्होंने करी है वहां पे, लेकिन मंत्रियों के तरफ से जो प्रमोद कुमार भी वहां पे गए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री वहां पे गए थे, उनके तरफ से क्या कुछ सांत्वना जो है दी गई, क्योंकि ढाढ़स उन्होंने बधाया है और न्याय दिलाने की बात कही है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे जल्द से जल्द जो है सजा दिलाई जाएगी, उस पर मृतक के परिजनों ने क्या कुछ कहा है? मृतक के परिजनों का ये कहना था कि यहाँ जो हरसिद्धि थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको इस घटना से पूर्व ही पवन गुप्ता के द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ अर्थात पंचायत के जो वर्तमान मुखिया सुरेंद्र सिंह है जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके खिलाफ आवेदन दिया गया था, और परिजनों का यह भी आरोप है कि समय रहते अगर उस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई होती तो शायद यह हत्या जैसी वारदात सामने नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है घटना के बाद 4 दिन बीत गए लेकिन अब तक कार्रवाई में कुछ सामने देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि नेता तो जाके मुलाकात कर रहे हैं मृतक के परिजनों से लेकिन कार्रवाई में कोई तेजी सामने आई नहीं है निकल के, इस पर क्या कुछ पुलिस का भी कहना है? मैं बता दूं ऋतिक कि कार्रवाई के नाम पर यही हुआ है कि जो हत्या जिन परिवार वालों के जो पीड़ित परिवार हैं और जिनके परिवार में हत्या हुई है कार्रवाई के नाम पर वही हुआ है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्दोष लोगों को पीट पीट कर और उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा जो ग्रामीणों के सहयोग से जिन अपराधियों को पकड़ा गया है उन्हीं अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, बाकी जो भागे हुए जो अपराधी हैं जो पुलिस प्रशासन का ये दावा है कि उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण वहाँ स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वहाँ के जो व्यवसायी वर्ग है उनका भी ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक वे लोग अपने व्यवसाय को प्रारंभ नहीं करेंगे, जबकि पूर्व मंत्री राधामोहन सिंह और गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि वो लोग अपने व्यवसाय को चलाएं। इस पर ये पीड़ित परिवारों का कहना था कि चलाने वाले व्यवसाय को चलाने वाले लोग जेल के अंदर हैं, फिर वो कैसे इस व्यवसाय को संचालित करेंगे। इस पर मंत्री और विधायक प्रमोद कुमार का और मंत्री का ये कहना था कि उन्हें निकालने का प्रयास किया जाएगा
और अगर पुलिस इसमें सहयोग नहीं करती है तो भाजपा के द्वारा उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। फिर भी सबसे आश्चर्य की बात है कि इतना आश्वासन देने के बाद भी वहां के लोगों में काफी आक्रोश है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। जी रिदी जी, जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पैक्स अध्यक्ष के घर पर राधा मोहन सिंह, प्रमोद कुमार ने जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की है और न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है।